आज बात सियासत की ही मगर दूसरे अंदाज में, क्योंकि अगर मगर की डगर सियासत की ओर जाती हुई दिख रही है। दारुल उलूम देवबंद जिसने गणतंत्र दिवस से पहले एक आदेश जारी किया है कि मुस्लिम युवा गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रेनों में सफर ना करें, बेवजह फंस सकते हैं। तो सवाल यह कि सुरक्षा को साजिश का नाम क्यों दिया जा रहा है? गणतंत्र दिवस की सुरक्षा में पुलिस, इंटेलिजेंस सब मुस्तैद रहेंगे, तो फिर इस मुस्तैदी का यह मतलब क्यों निकाला जा रहा है? आखिर दारुल उलूम के इस डर के आगे क्या है सियासत? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और सियासी डर का पूरा सार समझाते हैं। पहले आमिर खान को डर लगा। You know, we read in the papers what's happening, we see the news what's happening, and certainly I've also been alarmed. फिर नसीरुद्दीन शाह को डर लगा। फिकर मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक एक, एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। और अब देवबंद डर रहा है। यौमे जमहूरिया के मौके पर चेकिंग होती है, तो कोई भी तलबा अजीज जो है किसी तरीके की दुर्घटना का शिकार ना हो। 26 जनवरी नजदीक है और देवबंद की ताकीद या यूं कहे फतवा दीवारों पर चस्पा हो गया है। मुस्लिम युवाओं को खबरदार किया जा रहा है, ट्रेनों में सफर करने से बचें, बेवजह फंस सकते हो। तो सवाल यह है कि देवबंद का ये तंज किस पर है? देश पर, देश के निगहबानों पर या सत्ता से जुड़े सियासतदानों पर? जो दारुल उलूम देवबंद के अंदर तलबा पढ़ते हैं उनसे यही अपील की है के 26 जनवरी के मौके पर जो है तलबा अजीज बिला ज़रूरत जो है ट्रेनों के अंदर सफ़र ना करें, और अगर ज़रूरत है तो सफ़र करके फौरन ही जो है दारुल उलूम देवबंद का रुख करें, दारुल उलूम देवबंद वापस आए। क्या राष्ट्रीय पर्व में सांप्रदायिक रंग घोलकर सियासत के लिए राह तैयार की जा रही है? खौफ की हवा बनाकर कोई सियासी खेल खेला जा रहा है? राष्ट्रीय पर्व या त्योहारों पर पुलिस और इंटेलिजेंस ज्यादा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि तब आतंकी हमले का डर ज्यादा रहता है, इसलिए चेकिंग होती है, मगर वो तो सबकी होती है। तो फिर डर की हांडी पर फतवा मास्टर देवबंद कौन सी दाल गलाना चाहता है? मुसलमान जो अपनी पहचान के साथ कोई दाढ़ी रखने वाला, कोई टोपी लगाने वाला रेलवे से गुजरता है, तो उसकी जो है मॉब लिंचिंग हो जाती है, और उस मॉब लिंचिंग को भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं जैन सिन्हा जैसे लोग उसको मिठाई खिलाते हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं। हालांकि सियासत अपने सियासी माइनस के हिसाब से इसे समझ रही है और समझा भी रही है, मगर आम लोग क्या चाहते हैं, इन फतवों के बारे में क्या सोचते हैं, सुनिए। इस बात की कोई जरूरत नहीं थी, पोस्टर जारी करने की जरूरत नहीं थी, चूंकि पोस्टर से ऐसी भाषा लिखी गई जिससे एक भय का माहौल बनता है। महिलाओं का पुरुषों के साथ खाना खाने पर फतवा, दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म पर फतवा, महिलाओं के श्रृंगार पर फतवा, उनकी एंकरिंग पर फतवा, अक्सर महिला अधिकारों पर ऐसे फतवा अटैक करने वाले देवबंद की गाड़ी इस बार नए स्टेशन पर पहुंची है। अब मुस्लिम युवाओं को डराया जा रहा है, तो सवाल ये है कि इस डर के पीछे कौन सी डगर है? सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाकर किसके लिए ढाल तैयार हो रही है? कहीं इस डर के आगे सियासत तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल अब बहुत सारे हैं। 26 जनवरी, और अगर हम बात करें राष्ट्रीय पर्व होता है और आमतौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इसलिए पुलिस भी मुस्तैद रहती है, इंटेलिजेंस मुस्तैद रहती है, इसलिए आम लोगों की चेकिंग भी की जाती है जिसमें आप भी शामिल होंगे, हम भी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये कि इस चेकिंग के पीछे या आगे इसको साजिश क्यों बताया जा रहा है, क्यों आखिर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है? सीधे मेहमानों का रुख करेंगे और यही सवाल पूछेंगे। अमित पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। रोहित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, आरएलडी का पक्ष रखेंगे। इमरान हसन मौलाना हमारे साथ जुड़ गए हैं,
अतुल चंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल मौलाना साहब, आप आए होंगे सर हमारे स्टूडियो तक, कोई चेकिंग मिली आपको रास्ते में? नहीं, कोई चेकिंग नहीं मिली। और अगर मिलती तो मौलाना साहब क्या वाकई आपको ऐसा लगता कि चेकिंग नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये तो आपका एक तंजिया सवाल है। अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है, अगर उसने ये चीज लिख दी है कि अगर 26 जनवरी को जो है चेकिंग ज्यादा होती है, अगर आप लोग आगे पीछे करके चले जाइए तो उसमें हर्ज क्या हो गया? इसको इतना बड़ा इशू बना लिया गया। अभी तमाम स्कूलों में तरह तरह की घटनाएं घटी, उसके बाद तमाम जो पेरेंट्स हैं उनके मन में ये ख्याल आया कि बच्चियां जाती हैं, बच्चे जाते हैं, वहाँ इतनी अप्रिय घटना हो रही है, तो उनके अंदर भी डर आया। और अगर जिस तरीके से तमाम अभी नेताओं लोगों ने बयान दिए कि दारुल उलूम देवबंद जो है वो आतंकवादियों का अड्डा है, मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं, तो जब इस तरीके का माहौल बनाया जाता है और उनके खिलाफ कोई बात नहीं होती है, तो अगर वहाँ ये लोग ये कहते हैं कि अगर आप इस तौर पे जाएंगे, जाहिर सी बात है इस दिन सिक्योरिटी तेज होती है, होना भी चाहिए। और मौलाना इमरान हसन, मेरा कंसर्न वही है, कुछ मैं कल की आपको घटना बताता हूं, अगर उसका मिसयूज करें। मौलाना साहब, आमतौर पर सभी की चेकिंग होती है, कल मैं भी गुजर रहा था, मेरी भी चेकिंग हुई सर, और आमतौर पर सबकी चेकिंग होती है, तो क्या 26 जनवरी पर चेकिंग करना क्या कोई साजिश हो सकती है आपको लगता है? मौलाना साहब, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बेगुनाह लोग फंस सकते हैं। देवबंद ने नहीं कहा, नहीं नहीं, बेगुनाह लोग फंस सकते हैं, ये कहा है सर? देवबंद ने ये तो नहीं कहा कि आप, नहीं नहीं, देखिए ये तो आप नकार नहीं सकते कि पूरे देश में तमाम जो पुलिस कर्मी होते हैं कि वो बिल्कुल एक सही तरीके से, कई केसेस ऐसे आते हैं जहां दिखाया जाता है कि मिस इंटेंशन की वजह से किसी को किसी ने फंसा दिया, तो इसके हम ये तो नहीं कहेंगे तमाम पुलिस वाले खराब हो गए, तमाम तंत्र खराब हो गया, लेकिन कुछ होते हैं तो ये लोग, अगर ये स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि भाई अगर इस तरीके का माहौल बन रहा है और कुछ लोग टारगेटेड किए जा रहे हैं, तो उसमें अगर ये एडवाइजरी उन्होंने अपने अपने बच्चों को ले दे दी, तो उसमें इसमें इतना बड़ा इशू नहीं कि इसको जो है आप मौलाना इमरान हसन, इस तरीके की मेरा सवाल यही था शुरुआत में, आमतौर पर चेकिंग चलती है, माहौल क्यों आया सर? आमतौर पर चेकिंग चलती है और हर भारतवासी का फर्ज है कि वो उस चेकिंग में सहयोग करे। हर जगह होती है, हर त्यौहार पे होती है, हर त्यौहारों पे होती है, हर जगह होती है। क्या लोग घर से निकलना बंद कर देंगे? तो ये जरूरी है, नहीं निकलते, लेकिन फिर भी लोग, बहुत से लोग अवॉइड करते हैं कि जब जरूरत होती तब निकलते हैं। अब पॉइंट की बात है, ये जमाना ही आ रहा है इस तरीके से हो रहा है, कसूर लोग तो फंस सकते हैं, ये कहा गया है, और ये कहा कि जरूरी हो, बहुत जरूरी हो तो ही निकले। फंसी रहे, इस सिस्टम को सही करने की जरूरत है। अमितपुरी साहब, ये कोई भी हो सकता है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि सिस्टम गड़बड़ है, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। देखिए, मैंने मौलाना साहब को भी सुना, आपकी रिपोर्ट भी देखी, और देवबंद से जो फतवा जारी हुआ उसका ट्रांसक्रिप्ट का ट्रांसलेटेड वर्जन भी मेरे पास है। और ये सही है कि देवबंद एक तालीमी इदारे के साथ साथ बड़े खित्ते के अंदर, इस्लाम के एक बड़े खित्ते के अंदर उसकी अपनी एक अलग ताकत, अलग तरीके की भी है, इसलिए देवबंद के हवाले से जब कोई बात आती है तो उसके मायने कई निकाले जाते हैं, उसमें से क्या सही है क्या गलत है ये तो चर्चा पर चर्चा में निकलेगा। मैंने देवबंद के अंदर मौलाना मुनीर के हवाले से जो लगा था पर्चा, उसको मैंने देखा, उसमें एक बात जो आपने कही कि बेगुनाह फंसाए जा सकते, चलिए वो भी बात मैंने सुनी समझी, और मैं अभी इनिशियली उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो उसमें थोड़ा सा जिस पे जेर बहस ये मुद्दा बन गया, वो जेर बहस क्यों बना वो मैं सामने रख रहा हूं। मानसिक उत्पीड़न किया जाता है जिसके चलते डर और खौफ का माहौल बन जाता है। अब 26 जनवरी पर इस देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के तमाम तर देशों के अंदर जहां उनके रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम होते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर एडवाइजरीज जारी की जाती हैं, और ये एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर है वर्ल्ड वाइड, इसलिए उसमें कोई अलग से उसको इंटरप्रेट और डिकोड करने की बात नहीं थी। अगर ये होता कि भाई किसी पर्टिकुलर पुलिस वाले के कंडक्ट के ऊपर कोई बात होती तो बात समझ में आती थी, जैसा इमरान साहब ने फरमाया वो बात समझ में आती है, ठीक है, एब्रेशन है सिस्टम के अंदर, कुछ लोग एक्सीड करते हैं अपने ब्रीफ को और वो दे मस्ट बी टेकन इन टू टास्क, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, होती भी है,
कई बार देर से होती है, कई बार तुरंत हो जाती है, यहां तक बात समझ में आती थी। लेकिन 26 जनवरी की एडवाइजरी के ऊपर अगर आप जर्नल रिमांड करेंगे कि मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, डर और खौफ का माहौल बन जाता है, यहां आकर के मुद्दा जेरे बहस बन जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि देवबंद एक तालीमी इदारे के साथ साथ उसकी हैसियत इस्लाम के, इसलिए सवाल ये उठता है क्या ये डर और खौफ की बात रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन कही जा रही है, माना जाता है, इसलिए उनकी आवाज को लोग ध्यान से सुनते भी हैं और ऐसे ऐसे फतवे भी जारी होते हैं जिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं अमितपुरी साहब, डॉक्टर अजीज हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अजीज, क्या इस एडवाइजरी के पीछे, अजीज से आप प्रतिक्रिया लें, एक मिनट मृदुल कंप्लीट करें। डॉक्टर अजीज से आप प्रतिक्रिया लें, कर रहा हूं। देवबंद ने जो कहा वो अपनी जगह पे था, लेकिन अभी हमने समाजवादी पार्टी के एक ताजा तरीन प्रवक्ता का बयान आपके चैनल पे रिपोर्ट में सुना, उन्होंने कहा टोपी वालों को बेवजह परेशान किया जाता है। ये जो तसूबियत का रंग है और ये तफरका पैदा करने का रंग है, आखिर वोट के लिए चुनाव के एंड मौके पर आप किस दर्जे तक जाएंगे? ठीक है, यानी दो सवाल हो गए, क्या इस बयान के टोपी वालों के लिए, क्या ये बयान वाकई सियासत को देखते हुए दिया गया या एडवाइजरी जारी की गई? डॉक्टर अजीज, देखिए मृदुल जी, जी मेरे विद्वान साथी अमित पुरी जी अभी कह रहे थे साहब फतवा दिया गया देवबंद से, पहली बात तो फतवा ये नहीं है, ये एक सलाह है। फतवा एक दूसरी चीज होती है और सलाह दूसरी चीज होती है। नहीं किया क्योंकि हर चीज फतवा नहीं हो सकता। फतवा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ मौलाना साहब बैठे हैं, अभी आपने फतवा कहा कि साहब इमरान साहब ने फतवा यूज किया कि नहीं किया, इसलिए अपने मुंह में मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। मैंने नहीं कहा भाई, आप अमित जी नोट कर लीजिए, इस्तेमाल नहीं किया, बाद में जवाब दीजिए। जानता हूँ फतवा किसे कहते हैं सर। डॉक्टर अजीज सर, मैं मुझे मौका दिया जाए। दूसरी बात मैं कहूं सर कि हकीकत यह है कि जिस तरीके से बीजेपी का कार्यकाल 2 साल उत्तर प्रदेश का रहा है और 4.5 साल केंद्र का रहा है, एक डर का माहौल बनाया गया। और वो डर का माहौल क्या रहा साहब, मदरसों में वीडियोग्राफी कराई जाए साहब, यहां 26 जनवरी नहीं मनाई जाती है, 15 अगस्त नहीं मनाया जाता है, ये देश के नागरिक नहीं है, इनको संदेह के निगाह से देखा जाता है। जब कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को संदेह के नजर से देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर की भावना पैदा होगी। डॉक्टर अजीज, तो बीजेपी ने क्या किया है, 2 साल उत्तर प्रदेश की सरकार हुई है। मैं एक छोटा सवाल रखूं, इन 4.5 साल में, मौका दे मुझे, इन 4.5 साल में 15 अगस्त और 26 जनवरी कितनी बार आती है? मैं वही निवेदन कर रहा था कि कम आता है, लेकिन वीडियोग्राफी आखिर मदरसों में, आखिर मस्जिदों में इन मौकों पर कराने का क्या मतलब है, हम जानना चाहते हैं। अगर हम आपसे यह कह दें कि साहब आपके घर पे हम चौकीदार लगा देंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह पैदा होगा। डॉक्टर अजीज, एक बात, आप मेरे घर पे रोज चौकीदार लगाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप मेरे घर उस दिन चौकीदार लगाएंगे जब मेरे घर आने वाला कोई होगा तो मुझे दिक्कत होगी कि आप मेरे घर क्यों चौकीदार खड़ा कर रहे हैं। ये वही बात है कि जब चुनाव आ रहे हैं तो क्यों एडवाइजरी जारी की गई, ऐसी बहुत सी 15 अगस्त निकली, बहुत सी 26 जनवरी निकली, फिर क्यों नहीं एडवाइजरी जारी की गई? सर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ये साहब, बीजेपी ने 15 अगस्त 26 जनवरी जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसी में वीडियोग्राफी की बात कही है, ये पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है। आप तो बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप समझे रहे हैं सारी बातों को, आप तो लगातार इसको कवर भी कर रहे हैं। जिस तरीके से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक डरा हुआ है, अब अगर डरा हुआ है और अगर वो सावधानी बरतने की बात कर रहा है सर, बिरदुल जी अगर वो सावधानी बरतने की बात कर रहा तो क्या बुराई है? अगर कोई सावधान रहना चाहता है, क्योंकि तमाम बेकसूर नौजवान अल्पसंख्यक तमाम तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ित किया जा रहा है, बेगुनाह फंसाया जा रहा है, और अगर वो चाहते सावधानी बरतना तो कोई बुराई नहीं है। मैं वही कह रहा हूं डॉक्टर अजीज, डर एक दिन में पैदा नहीं होता है। अगर आप कह रहे हैं कि डर रहा है तो वो फिर इस समय क्यों डर रहा है? चुनाव से पहले डर तो पैदा किया गया ना सर, किसने पैदा किया ये डर? सर ये मॉब लिंचिंग आज से नहीं शुरू हुआ, मॉब लिंचिंग 4.5 साल से एनआईए की गिरफ्तारी, एनआईए की गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े हुए, और एनआईए की गिरफ्तारी पर परिवार वालों ने कहा कि ये लोग बेकसूर हैं, इनको गिरफ्तार किया गया, क्या उससे डर बढ़ा?
सर मैं वही निवेदन कर रहा था मृदुल जी कि तमाम ऐसे हालात पैदा हुए, बहुत सारे हालात हैं, उन हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के मन में डर है। अमित पुरी साहब एक बहुत छोटा कमेंट इस पर, अजीज साहब कह रहे हैं डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। अमित पुरी साहब के पास जाऊं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया अतुल चंद्र जी पहले आपसे ले लेता हूं, बहुत जरूरी है। सर क्या वाकई देश में डर का माहौल है या फिर इसे क्रिएट किया जा रहा है, इसे बनाया जा रहा है? देखिए कहीं ना कहीं ये फीलिंग तो जरूर है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो डरी हुई हैं, लेकिन दो बातें हम कहना चाहेंगे जी। एक तो ये कि पिछले चार साल में जो भी 15 अगस्त और 16 जनवरी हुए हैं उसमें कितने निर्दोष मुसलमान पकड़े गए हैं। ये ठीक है कि मदरसों में वीडियोग्राफी और ये सब हो रहा है, लेकिन जो फतवा है, जो एडवाइजरी है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि बेवजह पकड़ लिए जाएंगे, तो ये पिछले चार सालों में कितने पकड़े गए हैं? अगर कोई ठोस संख्या है कि 100 मुसलमान पकड़ के बंद कर दिए गए या 150 मुसलमान पकड़ के बंद कर दिए गए या 10 भी पकड़ के बंद कर दिए गए, तब ये डर जो है वो जायज माना जाएगा 26 जनवरी के कॉन्टेक्स्ट में विशेष करके। ठीक है डॉक्टर अजीज, दूसरी चीज ये है, आप कंप्लीट करें। ये ठीक है कि देवबंद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, फ्रीडम स्ट्रगल में भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन जिस तरह से देवबंद फतवा जारी करता है उसकी अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। नेल पॉलिश मत लगाइए, बारात में मत जाइए, सीसीटीवी कैमरा मत लगाइए, ये तमाम इस तरह के जो उनकी सलाहें होती हैं उनको मानने वाले भी नहीं है। किस मुस्लिम कंट्री में ये कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरा नहीं लगेगा? पिछले साल देवबंद ने एक ये फतवा जारी किया था। तो जो क्लैश है रियलिटीज में और देवबंद के फतवों में वो इतना ज्यादा है कि उसके फतवों की अहमियत ही नहीं रह गई है। बिल्कुल अहमियत नहीं रह गई, लेकिन फिर भी बड़ी कम्युनिटी है जो देवबंद की बात को मानती है, सुनती है। अगर इस तरह से बातें की जाएंगी तो फिर ये डर का माहौल क्या क्रिएट किया जा रहा है या वाकई डर है? रोहित अग्रवाल, मेरा आपसे सवाल यही है कि ऐसी कौन सी और कितनी 26 जनवरी और 15 अगस्त निकल गए जहां पर किसी बेगुनाह को गिरफ्तार कर लिया चेकिंग के बहाने? देखिए मृदुल जी, पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी एक संस्थान ने अगर ये अपने स्टूडेंट्स को कह भी दिया कि आप संभल के चलिए, संभल के निकलिए, तो क्या मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने शैक्षिक संस्थान हैं सब ये एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप संभल के चलिए? पीछे हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इन्वेस्टर मीट हुआ था, तब मुझे मालूम है लखनऊ के बड़े से बड़े स्कूल ने अपने स्कूल टाइमिंग्स बदल दिए थे। क्या उनको डर था? कोई डर नहीं था, एक व्यवस्था ना बिगड़े, बच्चे ना परेशान हो, इसके लिए उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी या स्कूल के टाइमिंग बदले थे। इसी तरीके से अगर देवबंद ने एक एडवाइजरी अपने बच्चों के लिए जारी की है कि भाई आप परेशान ना हो, इसलिए अपनी यात्राएं आप थोड़ा सा डिफर कर लीजिए, इसमें समस्या भारतीय जनता पार्टी को कहां से आ गई? भारतीय जनता पार्टी को हर समय हिंदू मुसलमान क्यों समझ में आता है? नहीं नहीं, मैं आपको दो चीज समझाता हूँ। बताइए, जब हमारे शहर में कोई फंक्शन होता है या किसी वीवीआईपी या नेता का आना होता है तो उसे रूट डाइवर्ट किए जाते हैं, ये आपको भी पता होगा, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि नेताजी आ रहा है थोड़ा संभल कर चलिएगा, आपको कहीं पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। इन बातों में अंतर है सर। सर बिल्कुल, स्कूल और आप इसे डिफरेंशिएट करिए मृदुल भाई, स्कूल के टाइमिंग्स बदले जाते हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, जिस दिन कोई अगर प्रधानमंत्री अगर हमारे शहर में आ रहे हैं तो स्कूल बंद तक किए जाते हैं। हाँ। और मैं इसका आपको प्रूफ दे सकता हूं। दूसरी चीज, अगर देश की जनता में एक भी व्यक्ति को डर लग रहा है तो हाँ। उसकी जिम्मेदार सरकार है कि उसको डर क्यों लग रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा, 1947 की लड़ाई में उतना ही भागीदार मुसलमान था जितना हिंदू था। हाँ। ये तो आरएसएस वाले अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, तब ये कहां थे जब 1947 का आजादी की लड़ाई हो रही थी? और आज इनको हिंदू मुसलमान हर चीज में समझ में आता है। मुद्दा यह है कि डर लग रहा है और डर की वजह से देवबंदी उलेमाओं ने कहा कि छात्र बाहर ना निकले।
आप मुझे 1947 में दलाली, ये सरकार के लिए एक सीरियस चैलेंज है कि अगर हिंदुस्तान में किसी को डर लग रहा है तो वो डर क्यों लग रहा है? राहुल गांधी प्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर हो रहा है। सरकार को देखना चाहिए कि अगर देश में किसी भी को भी डर लग रहा है, चाहे वो किसी मजहब, किसी धर्म, किसी कौम का हो, रोहित अग्रवाल, लेकिन डर का कारण भी तो पता करना होगा कि डर लग क्यों रहा है। 2014 से पहले भी डर लगता था क्या किसी को? सर डर का कारण भी तो पता करना होगा। 2014 से पहले क्यों नहीं लगता था डर? 2014 के पहले देवबंद से क्या कोई फतवे जारी नहीं हुए? जिस तरीके से 2014 के पहले देवबंद से कोई फतवे जारी नहीं हुए, सरकार बनाई जा रही है, जिस तरीके से वोट पोलराइज किया जा रहा है, जिस तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है। अरे भगवान राम का मंदिर बनाने की बात आती है अमित पुरी जी, सर आप मंदिर पर आ जाएंगे, घुमाया करती है, फिर आप 2014 की बात करते हैं कि 2014 के पहले क्यों नहीं किए जाते हैं फतवे? क्या आज पहली बार जारी हुए? बात बिल्कुल क्लियर है, या एडवाइजरी मैं कहूँ? नहीं नहीं, अगर फतवा जारी हुआ है तो इसमें क्या बुराई है आप मुझे बताइए? अगर वो कोई आदमी अपने स्टूडेंट्स को कह रहा है कि आप थोड़ा सा संभल के चलिए, इसमें कहां पे बुराई है? मुझे तो भाई बुराई नहीं समझ में आती। क्लियर कर देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। दिल्ली के किसी होटल में चले जाइए, उसके आपको समझा देता हूं, डरा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं सर, शायद समझ नहीं आ रहा सर आपको। रोहित अग्रवाल साहब, दिक्कत किसी चीज में नहीं है, दिक्कत एहतियात बरतने की जो बात कही है उसमें बिल्कुल नहीं है, दिक्कत इस बात को लेकर है कि 26 जनवरी पर चेकिंग चल रही है, तो 26 जनवरी 15 अगस्त आमतौर पर चेकिंग चलती है, बड़े त्योहारों पर चेकिंग चलती है। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी 15 अगस्त और 26 जनवरी पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बेगुनाह लोग फंसा दिए गए, जो डर का माहौल पैदा हो गया? बिरदुल जी, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि देवबंद ने फतवा जारी कर दिया। अगर बीएचयू ने नोटिस जारी किया होता तो अमित पुरी जी को दर्द ना हो रहा होता। ठीक है, समस्या ये है कि देवबंद ने क्यों नोटिस जारी कर दिया, इनको हाँ। बीच में लाने का मौका मिल गया। समस्या ये है, समस्या ये है, मैं बताता हूँ सर, समस्या क्या है? समस्या ये है कि 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है, और क्या ये चुनावी साजिश लग रही है, या इस डर के आगे वाकई सियासत है कि सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना? सरकार ये भरोसा कैसे दिलाएगी? देवबंद ने तो संदेश दे दिया, लेकिन तमाम लोगों को कैसे भरोसा दिलाएगी कि आप निकलिए, बेखौफ निकलिए, चेकिंग हो रही है, सहयोग करिए, आपका देश है। मृदुल, मैं 3-4 चीजें वन लाइनर ऐड करता चलता हूं। यह पहली 26 जनवरी और 15 अगस्त नहीं है, देश की आजादी के बाद से लगातार इस तरह की एडवाइजरी डिपार्टमेंट ऑफ होम से लगातार जारी होती रही। अतुल चंद्रा जी यहां बैठे, अगर मैं गलत हूं तो मुझे पिन पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल वॉइस है इस पूरी डिबेट के अंदर। नंबर एक। नंबर दो, गवर्नमेंट की एडवाइजरी, अगर देवबंद की एडवाइजरी ठीक है, मैंने तो फतवा शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया था, अगर देवबंद की एडवाइजरी ठीक है तो फिर गवर्नमेंट की एडवाइजरी कहां से गलत है? नंबर दो। नंबर तीन, 1971 के युद्ध के दौरान, और जो मैं कोट कर रहा हूं, अतुल चंद्रा जी आप इसको भली भांति जानते हैं, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में जॉर्ज फर्नांडिस ने वो सर्कुलर पढ़ा था 1971 की लड़ाई के अंदर, कांग्रेस की सरकार ने इंदिरा जी की रिजीम में वो सर्कुलर जारी किया था 71 की लड़ाई में कि देश के अंदर लड़ाई हो रही है और एक तबके और एक खित्ते और एक मजहब के लोगों पर भरोसा ना किया जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड था कांग्रेस की रिजीम के अंदर 71 की लड़ाई में, और ये पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है जो जॉर्ज फर्नांडिस ने कोट करके सर्कुलर पार्लियामेंट के अंदर रखा था। तब देश के अंदर डर और भय का माहौल नहीं था। अब आइए वीडियोग्राफी पे। अतुल जी, इसलिए आपको रेफरेंस करके कह रहा हूं कि उस डिबेट में भी आप मेरे साथ किसी और चैनल पे थे और मैंने वो बाकायदा सर्कुलर कोट किया था वीडियोग्राफी का। वो इसलिए किया गया था कि मदरसा वाले विभाग ने ये लिखा कि तमाम तर कार्यक्रम 26 जनवरी और 15 अगस्त को किए जाते हैं, उनमें बच्चों को पुरस्कृत किया जाना है, इसलिए अपने अपने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करके भेजे, जिससे राज्य मदरसा बोर्ड इसके अंदर पुरस्कार उन बच्चों को सुनिश्चित कर सके, कार्यक्रम की सफलता के साथ इसको अवगत इलेक्ट्रॉनिकली भी हमको कराएं। तो इसलिए कौवा कान ले गया, इसके ऊपर चल गई क्या चल गई? चांदी की चवन्नी चल गई कि गोली चल गई? यह कौवा कान लेने वालों का जो तरीका है, यह चुनाव नजदीक है, इसलिए आप सब बता रहे। 1971 का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है, एक एक पॉइंट पे आपने बात रखी, बहुत अच्छी बात है। 1971 का ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं मना ही नहीं कर रहा सर, एमएचए का सर्कुलर था, मैंने मना किया ही नहीं सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि गवर्नमेंट कैसे सुनिश्चित करेगी, कैसे भरोसा दिलाएगी? आपने मुझे ये नहीं बताया।
बस आ जाइए, सरकार हर नागरिक के जानों माल की हिफाजत की गारंटी लेती रही है, ले रही है और लेगी, लेकिन अगर मानसिक रूप से कुछ लोग उसको चुनावी मुद्दा बना करके किसी पर्टिकुलर वोट बैंक को इनकैश करना चाहते, क्योंकि देखिए आपने कहा कि तमाम तरह स्कूल एडवाइजरी जारी करते, बेहतर, देवबंद भी एक तालीमी इदारा है, लेकिन देवबंद की हैसियत एक तालीमी इदारे से मैंने इनिशियल स्टेज में मौलाना इमरान उससे अलग है और अलहदा है और बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम है। तो आपको डर लगता है कि उसका बड़ा मकाम है? नहीं, हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता, लेकिन देवबंद को लेकर जो सियासत करना चाहते हैं सत्ता ना चली जाए देवबंद के फतवों से, समस्या तो यही पे है जी। एक मिनट, एक मिनट, क्योंकि उसका कद बड़ा है, उसके फॉलोअर ज्यादा है, इसलिए आपको डर लगता है। और को नहीं लगता है हर इबारत को डर लगता है। एडवाइजरी जारी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देवबंद एडवाइजरी जारी करे तो प्रॉब्लम क्यों है? रोहित अग्रवाल, क्यों प्रॉब्लम है देवबंद की एडवाइजरी से? रोहित अग्रवाल, क्या आपको सारी देवबंद की एडवाइजरी और फतवे मंजूर है? एक मिनट पूरी साहब, डर की बात है कि बड़ा मुकाम है देवबंद का, लेकिन खाली तालीमी इदारा नहीं है देवबंद। मैं यही पूछ रहा हूँ रोहित अग्रवाल, आपको देवबंद के तमाम फतवे और तमाम एडवाइजरी मंजूर है? देखिए रोहित अग्रवाल, एक सेकंड मौलाना साहब आ रहा हूँ। रोहित अग्रवाल, आपको तमाम फतवे और एडवाइजरी मंजूर है? नहीं, देखिए मैं स्पेसिफिक अभी जो हमारा टॉपिक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और दूसरी बात रही देवबंद के कई फर्जी फतवे भी, देवबंद को बदनाम करने के लिए उनके फर्जी फतवे भी सामने आए हैं, पीछे आते रहे हैं, जो देवबंद ने फतवे दिए नहीं उनको भी देवबंद का बना के उनके ऊपर चिपकाया गया है। क्या महिला एंकरिंग नहीं कर सकती? ये फतवा नहीं दिया? क्या महिलाएं रिसेप्शन में जाके बुफे में जाके किसी के साथ खाना नहीं खा सकती? मुझे नहीं लगता कि नहीं है फतवा है, अगर मंजूर है कि नहीं आप ये बताइए सर, तभी हम उसके ऊपर कुछ कह सकते हैं। सर फतवे आप अपने हिसाब से मंजूर नहीं करेंगे ना कि ये आपके फायदे का, ये हमें मंजूर है, ये हमारे फायदे का नहीं है, ये मंजूर है? अरे ने तो पूरा बहस आज बीजेपी की तरफ से बना दी कि बीजेपी ने बहस चलाई है, मैं वही बोल रहा हूँ, बहस चलाई बीजेपी ने, नहीं 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 देखिए कौन सा फतवा कब आया है क्या नहीं आया, मैं सारी जानकारियां तो लेके आपके पास बैठूं। सर मैं भी कोई तैयारी करके नहीं बैठा आपसे कि इस चीज के ऊपर, मैं भी तैयारी करके नहीं बैठा, रोहित अग्रवाल को मैं यही सवाल करूंगा, बात करें इसको बराए करम फतवा मत कहिए, टॉपिक की अगर हम बात करें तो मैं देवबंद का एक मुकद्दस मुकाम है, आप मुझसे का एक मुकद्दस मुकाम है, पुराने फतवे भी पूछेंगे तो आपको मैं बिल्कुल बता दूंगा कौन कौन से फतवे हैं कौन कौन से नहीं है। मौलाना साहब के पास जाता हूँ, मौलाना साहब फतवे तो जारी हो जाते हैं लेकिन उन झूठे फतवों का क्या होगा? सर अभी तो आप मेरे को यही नहीं बता पाए कि आपको फतवे मंजूर हैं कि नहीं है, सारे झूठे और सच के तो बाद में बताएगी। मौलाना साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, अगर डर का माहौल बन रहा है, पुरी साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कह रहे हैं आप निकलिए, बेशक निकलिए, जांच में सहयोग करिए, चेकिंग में सहयोग करिए, कौन मना कर रहा है, फिर किस बात? दायरे ने ये अपनी बात रखी, इलेक्शन सर पे है और जाहिर सी बात है आप जानते हैं इलेक्शन आते हैं तो तरह तरह की चीजें भी की जाती हैं किसी तरीके से कि इलेक्शन को वो किया जाए। तो इस निस्बत से अगर किसी ने ये कह दिया और या घर वाले भी किसी के कहते हैं कि अब ऐसा ना करो, वहाँ रैली हो रही है मत जाओ, तो क्या वो डर है? वो एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए। और अगर ये इसमें कुछ, लेकिन बात ये है कि जिस तरीके से चार साल या पाँच साल में तमाम मंत्री लोग, तमाम विधायक लोग, जो जो संस्था और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, इस तरीके के बयानात जो आए हैं वो भी तो आप देखिए कि किस तरीके से आए, खुल खुल के बोले गए और उसके बाद उसका कुछ नहीं किया गया, वो भी तो माहौल बनाया गया। कौन सा माहौल? किसी ने नहीं कहा, उसमें भी माहौल बनाना साहब बताइए ना, बताइए सर, आप स्पोक्सपर्सन भाई जितने कि भाई कि जो मदरसे, जो मदरसे हैं वो आतंकवादी पैदा करते हैं, जो मुसलमान है वो पाकिस्तान जाना चाहिए, इस तरीके की जो बातें निकल के आ रही है, पूरी साहब क्या सही है? पूरी साहब आप ऐसी बातें बोलेंगे, आपके नेता ऐसी बातें बोलेंगे तो डर तो माहौल बनेगा ही, फिर आप उसे सियासत से भी जोड़ सकते हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, हमने मदरसों तो के मॉडर्नाइजेशन का काम किया, उसकी सराहना और उस सिलेबस को एनसीईआरटी के सिलेबस से जोड़ा, तमाम तरह की ग्रांट जो मदरसों की रुकी हुई पड़ी थी, वहां के टीचरों की तनख्वाह कई महीने से नहीं दी जा रही थी, उनका पे स्केल डिफाइंड नहीं था, तो आपने भगवा रंग में, और ये तमाम काम पूरी साहब ये तमाम काम किए, लेकिन दूसरी तरफ आप हज हाउस को भगवा रंग में पुतवा देंगे,
तो सर ढाक के तीन बात हो जाएंगे, सारे खुले खराब में पानी भर जाएगा। अति उत्साह में जिसने किया गलत था, मैं कह रहा हूँ गलत था, इस सांस के साथ कह रहा हूँ गलत था। एक सेकंड, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ डॉक्टर अजीज, आपके नंबर है इसके बाद। सही और जायज नहीं था। ठीक है, मौलाना साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अजीज के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर अजीज, जब बयानबाजी होती है वो गलत कहलाई जाती है, वो सियासी रूप से, क्या इस बयान को आप सही मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सियासत का फायदा उठाने के लिए इस बयान का आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए मिर्दुल जी, अभी हम एक बयान का कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं और ना हम सियासत की बात कर रहे हैं। अभी हमारे अमित पुरी साहब बता रहे थे साहब 70 साल में ये हुआ और ऐसे सुरक्षा मिली और तमाम तरीके की बातें। मैं जानना चाहता हूं अमित पुरी साहब से, क्या 70 साल में देश की सुरक्षा के नाम पर दलित, पिछड़ा और मुसलमानों के साथ क्या इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर इतने हुए? आज 3,000 इनकाउंटर हुए हैं जिसमें 50% इनकाउंटर फर्जी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया है, और किया गया है। यूएन ने भी जिस सरकार के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह उसमें भी एडवाइजरी दिया। सुनिए अब देखिए बिल्कुल जी, इनको रोकिए तब बात हो पाएगी, तरीका ठीक नहीं है। साहब लिख लीजिए, बात करने दीजिए, देखिए अमित जी आप बात करने दीजिए, मैं आपको समझ सकता हूं। एक मिनट मौलाना साहब और अमित पुरी साहब, आपके तरीका नहीं है कहा कि एडवाइजरी को आपके जो पॉइंट है उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा इस बात के। डॉक्टर अजीज पहले अपनी बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपसे जवाब लूंगा, चिंता मत करिए। अजीज साहब कंप्लीट करें। सर मृदुल जी, दूसरा सवाल मेरा यह है, क्या 70 साल के इतिहास में जो आज मॉब लिंचिंग हुआ है, 157 मॉब लिंचिंग हुआ है 4.5 साल में, निर्दोष लोगों को मारा गया है, भीड़ तंत्र ने लोकतंत्र की हत्या की है, क्या 70 साल में ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। क्या 70 साल में ऐसा हुआ है कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई शख्स, मुख्यमंत्री हो हमारे प्रदेश का, राजा हो, वो कह रहा हो कि मैं हिंदू हूं, ईद नहीं मनाता? हकीकत इस है, हकीकत की बात यह है, आज जिस तरीके से संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके उससे खिलवाड़ किया जा रहा है, संवैधानिक शक्तियों को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है, देश में डर का भावना पैदा किया जाता है, देश में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। क्या 70 साल में इससे पहले हुआ? अमितपुरी जी जरा साहब बता दें आप। सर मैं 2-3 आंकड़े पहले आपके सामने रख, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। एक मिनट पुरी साहब, एक मिनट पुरी साहब, पुरी साहब एक सेकंड, अगर आप मुझे चांस दें तो मैं यही मैं पुरी साहब दूंगा आपको चांस, लेकिन पहले मैं अजीज साहब से एक सवाल और कर लेता हूँ। अजीज साहब, आपने मॉब लिंचिंग का जिक्र किया, गृहमंत्री जिक्र करते हैं कि मॉब लिंचिंग की हम कड़ी निंदा करते हैं, प्रधानमंत्री इस बात को लेकर कड़ा निर्देश भी देते हैं और कहते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। मॉब लिंचिंग के कुछ आंकड़े भी आपको बताता हूँ, क्या सिर्फ इसमें अल्पसंख्यक शिकार हुए हैं? सर मैं वही निवेदन कर रहा था, अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा समाज। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी निंदा करते हैं और एक तरफ उनके कार्यकर्ता जो है जो आरोपियों को फूल माला पहनाते हैं, साहब यही लोकतंत्र है? जरा मुझे बता दीजिए इसके बारे में। मैं आपको आंकड़े बता, पूरी जी बता दे सर, कि फूल माला भी आरोपियों को पहनाया जाता है। मैं आंकड़े भी बता देता हूं सर, गौ रक्षा ने 9 हिंदुओं की भी जान ली है और कई मुस्लिम इसमें मारे गए हैं, गिनती बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, सवाल ये उठता है कि ये भीड़ कहां से आती है, कहां चली जाती है, और क्या कानून को खिलौना समझ रखा है इन लोगों ने? अमितपुरी साहब अब आप आइए, अतुल चंद्र जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल आजाद हिंदुस्तान की पहली मॉब लिंचिंग पार्टीशन के समय 1947 में हुई, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने नोआखाली में अनशन करने के लिए बैठे, और दुनिया के तमाम तर इतिहास में इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग कभी नहीं हुई। 1984 के अंदर सिखों के खिलाफ राइट किया गया और जिंदा टायरों को डालकर जलाया गया, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में बड़े पैमाने पर मॉब लिंचिंग हुई, और यह मॉब लिंचिंग जिन सरकारों में हुई, UPA 1, UPA 2 हो या बाकी की सरकारें, उनका तो आप क्या रेस लगा रहे हैं पुरी साहब, और उनकी पालकी के कहा साहब आप क्या रेस लगा रहे हैं कि 47 में भी हुई, 84 में भी हुई, 90 में हो गई, अब 2014 से लेकर 2019 में भी हो जाए, हमारा भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, काले अध्याय के रूप में। 70 साल में मॉब लिंचिंग नहीं हुई, तो मैंने बताया 1947 में मॉब लिंचिंग जितने बड़े पैमाने पे हुई उसके खिलाफ महात्मा गांधी नौ अकाली में अनशन में बैठे। एक और सवाल था सर मेरा, क्या कानून को कुछ नहीं समझा है सर जी? कानून, अरे भाई मृदुल जी,
जी जी अजीत साहब की बातें कर रहे हैं अमित जी, हाँ। देश को गुमराह कर रहे हैं साहब, मुद्दे पे बात करिए, साढ़े चार साल का हिसाब दीजिए। 70 साल में देश को गुमराह मत करिए, साढ़े चार साल आप 4 साल का हिसाब दे दीजिए, 70 साल का तो मैं बता दूंगा। देश को बहका रहे हैं 1947 आप, देश 1984 1989 का हिसाब दीजिए, आप 45 गणित का हिसाब भीतर लीजिए। अरे 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 45 और 47 की बात कर रहे हैं आप, साढ़े चार साल का हिसाब दीजिए आप, 84 भी है लेकिन आपसे 4.5 साल का हिसाब मांगेंगे। फिर अमित पुरी साहब आपसे पूछेंगे कि आपकी सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, सर वही बात है ना, पुरी साहब से आप 4.5 साल की बात करेंगे फिर वो कहेंगे मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया था, और एनएसए बोर्ड ने उसको खारिज कर दिया, एनएसए बोर्ड ने उसको खारिज किया, सुरेश राणा के खिलाफ से काम किया गया हुआ है। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूँ, मैं आप दोनों को रोकता हूँ, और मुझे अतुल चंद्री से नफरत का माहौल पैदा, उस दिन जबान नहीं निकली तब संकेत भेजे जा रहे थे शिल्पा शेट्टी के सांस्कृतिक मुजफ्फरनगर के सर अमित पुरी साहब और डॉक्टर अजीज, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं मुजफ्फरनगर सर, ऐसी बहुत सी घटनाएं सेना पे असॉल्ट किया गया, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो सरकारों के टाइम पे हुई हैं। डॉक्टर अजीज मैं आऊंगा आपके पास, बहुत सारी घटनाएं सर याद दिलाने बैठूंगा तो हो सकता है कि वक्त ज्यादा हो जाए, पुरानी भी और नई भी दोनों याद दिला दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं अतुल चंद्र जी, घटनाएं लगातार होती हैं, घटनाएं लगातार होती हैं, लेकिन क्या वाकई देवबंदी उलेमाओं की तरफ से जो फतवे और एडवाइजरी जारी की गई, रोहित अग्रवाल आऊंगा इसके बाद, जो एडवाइजरी जारी की गई है वो वाकई सियासी साजिश लगती है आपको? रोहित अग्रवाल इसके बाद आऊंगा, अतुल चंद्र जी से पूछ रहा हूं मैं जी, अतुल चंद्र जी क्या वाकई ये सियासी साजिश है जिस तरह से कहा गया है कि बेगुनाह लोग फंस सकते हैं? देखिए जिस तरह से सवाल किया गया उस तरह से उनका जवाब था, और इसको हम सियासी एंगल से इंटरप्रेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता दें, पहली चीज तो यह है कि उस तरह का डर का माहौल, हम फिर वही कहेंगे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मॉब लिंचिंग जो गायों को लेकर के हुई है उससे जरूर एक डर का माहौल पैदा हुआ है, जो फेक एनकाउंटर्स हुए हैं उससे भी डर का माहौल पैदा हुआ है, लेकिन हम ये कहें कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को नहीं निकलना है तो वो डर की वजह से वो हम उससे हम अग्री नहीं करते हैं। हम आपको बता दें कि जब आतंकवाद अपने आप चरम पर था इंडिया में, उस वक्त हम भी ये कोशिश करते थे कि फेस्टिवल्स में या 26 जनवरी 15 अगस्त को हम सफर ना करें या भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, सिर्फ इसलिए कि ट्रेन्स उन दिनों खाली चलती हैं और किसी भी हादसे के होने के का डर रहता है, लेकिन उस तरह का माहौल नहीं है क्योंकि पिछले 4-4.5 साल में कोई आतंकवाद की घटना तो उस तरह की नहीं हुई है। ये जरूर हमको मानना पड़ेगा कि जो गायों को लेकर के योगी जी ने अपना अभियान चला रखा है उससे इतना ज्यादा भय पैदा हो गया है, जो बुलंदशहर में सब इंस्पेक्टर मारे गए और उसके बाद 3 इनोसेंट मुसलमान बच्चों को पकड़ के बंद कर दिया गया, बाद में उनको रिहा किया गया और वो भी जो मेन अक्यूज है उसके कहने पर, तो इस तरह की चीजें जो हैं ये एक डर का माहौल पैदा करती हैं, डर से ज्यादा वो एक मिस्ट्रस्ट का माहौल पैदा करती हैं। बिल्कुल, यानी अविश्वास का माहौल तो पैदा होता है, लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि अगर गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है उसमें कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सुरक्षित रहें, लेकिन इस बीच सहयोग भी करना होगा। मौलाना साहब पहले आपके पास आ रहा हूं मैं, सर क्या देवबंदी उलेमा इतने मजबूत हो गए कि उनके फतवे और इन सब चीजों पर विश्वास किया जाएगा? आपकी भी बड़ी कम्युनिटी है सर, आप भी कैसे उन्हें यह बताएं कि आप 26 जनवरी पर बेफिक्र होकर जाइए, 26 जनवरी पर बाहर निकलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी?
देखिए अभी अभी अतुल चंद्रा जी ने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है, उसी संदर्भ में इसको समझना चाहिए आपको कि किस तरीके का माहौल चल रहा है। आप जब इंसान लगेगा कि नहीं है, पुलिस जो है वो नाजायज पर फंसा लेगी, छः छः महीने आदमी परेशान होगा, फिर वो छूट जाएगा, लेकिन जो उस दौर उसमें उस पे गुजरेगा उसका क्या सब होगा, है ना। तो तमाम चीजें पहले भी देखी गई है कि इस तरीके से चीजें हुई हैं, की जाती हैं, और जब इलेक्शन सर पे हो और सब पॉलिटिकल पार्टी जो है इस तरीके की, आप देख रहे हैं कि अभी होने लगा कि भाई 84 में ये हुआ, 47 में ये हुआ, 89 में ये हुआ, 2002 में कुछ हुआ, तो आपसी में एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है और जो है लगा के जो है उसका हल नहीं निकालती है कि दोबारा ऐसी चीजें ना हो, कोई बेगुनाह ना मारा जाए, कोई बेगुनाह ना फंसा जाए। वो हिंदुस्तानी है, उसको उस तरीके से देख के कि भाई किसी के साथ भी ना इंसाफी हो तो वो उसको इंसाफ दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। जिस दिन ऐसा होने लगेगा भय का माहौल अपने आप खत्म हो जाएगा, गलत चीज होंगी हो जाएगी, लेकिन सजा मिल जाए, जो बेगुनाह को सजा ना मिले अगर ये व्यवस्था बन जाएगी तो ये अगर राष्ट्रीय पर्वों पर फतवे की जरूरत नहीं, राष्ट्रीय पर्वों पर अगर डर का माहौल रहेगा तो किस करने की जरूरत पड़ेगी सर? राष्ट्रीय पर्व पर अगर डर का माहौल रहेगा, राष्ट्रीय पर्व पर अगर ऐसी बात होगी फिर सवाल खड़े होते हैं ना सर। दी गई है फतवा तो रिलीजियस उस पे होता है, जिस तरीके का सवाल पूछा जाता है वो कुरान और हदीस में मौजूद है, जिसको नहीं मालूम होता वो जाके पूछ लेता है, अब वो माने ना माने वो उनका काम होता है। कुरान में तो ये पहले ही से दिया हुआ है, ये कोई देवबंद का कोई चीज नहीं आ गई, ये नदवे की नहीं आ गई, कोई भी आलिम मुफ्ती से आप वो सवाल पूछेंगे तो उसका वो जवाब दे देगा। हाँ। वो जवाब को आप लोग फतवा कह देते कि भाई ये तो फतवा हो गया, तो बिल्कुल अब हो रहा है सर, ये तो पहले अगर ऐसा सर, अगर वो मौलाना साहब करिए, मौलाना साहब कम पैसों में, आप उससे बेहतर जानते होंगे, लेकिन छोटी सी बात है सर, अगर कोई पूछता है तो आप कुछ भी जवाब थोड़ी दे देंगे, जो आपको जानकारी पता है आप वही देंगे। नहीं कुछ भी नहीं देंगे, नहीं कुछ भी नहीं देंगे, ये कुछ भी आप ना कहिए कि कुछ भी दे दिया गया सर। क्या महिलाएं कुछ भी, महिलाएं पुरुषों के साथ खाना नहीं खा सकती क्या? जो भी फतवा आएगा सर, महिलाएं पुरुषों के साथ खाना नहीं खा सकती क्या? फतवा आएगा और जो अगर ऑथेंटिक, देखिए जो भी महिलाएं पुरुषों के साथ खाना नहीं खा सकती वाले के जो है वो सर बहुत सीधा सा पूछ रहा हूँ, पहले ही से मैं कह रहा हूँ ना सर, महिलाएं पुरुषों के साथ खाना खा सकती है कि नहीं खा सकती? देखिए हमारे वहां तो गैर महरम महरम है ही है, आप उस चीज को आप क्यों ला रहे हैं मौलाना साहब? अब मैं उसी बात को लेकर कह रहा हूँ, जब इस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जाएंगी तो फिर बाकी चीजों पर कैसे विश्वास कर लें? आप कह रहे हैं कि महिला पुरुष के साथ खाना नहीं खा सकती, इसको आप भ्रांति क्यों कह रहे हैं भाई? सर ये 21वीं सदी का देश है, कहेंगे कि भाई आप सर ये 21वीं सदी का देश है, बिना शादी के जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और उसको शादीशुदा माना जाएगा। सर आप मुझे भटकाने की कोशिश करेंगे लेकिन मौलाना साहब मैं भटकूंगा नहीं, मैं आपसे खाना खाने की बात कह रहा हूँ, साथ रहने की बात नहीं कह रहा। शादी कर सकते हैं मौलाना साहब, मैं खाना खाने की बात कह रहा हूँ, साथ रहने की नहीं कह रहा। भाई खाना महरम के साथ खाइए, महरम के साथ उठिए बैठिए, ये तो पहले ही दे रखा है, गैर महरम के साथ अवॉइड है, यहाँ तक कि सवाल तो वही खड़ा होता है जब इस तरह से फतवे आते हैं और उसे डिफेंड करने के लिए मौलाना साहब आप इस तरीके से जवाब दे रहे हैं, तो फिर देवबंदी उलेमाओं ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर सवाल खड़े होंगे। हमारे पर्सनल लॉज है, उसपे हम कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल, अब मैं आपके पास फिर आता हूँ, और की बात है ये फतवे आपके लिए नहीं है सर, मैंने कहा ही नहीं मेरे लिए है, मैं तो इस संविधान से चलता हूँ देश के, कोई फतवा थोड़ी चलाएगा सर। जो उसको समानता है वो उस पे चलेगा, तो इसलिए तो कह रहे हैं सर, अगर फतवे इस तरह से होंगे और जब एडवाइजरी होगी तो उस पर सवाल खड़े होंगे कि भाई ये किसको देखकर किया जा रहा है। रोहित अग्रवाल, बहुत छोटा कमेंट आपका इस पर, मैडम का फर्क रखना चाहते हैं तो उनको रखना। रोहित अग्रवाल, क्या वाकई कानून की दृष्टि से सरकार फेल रही है इसलिए ऐसा डर बन रहा है? नहीं मृदुल जी, पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे आज भाजपा के प्रवक्ता के ऊपर बड़ी दया भी आ रही है, तरस भी आ रही है कि टेलीग्राम युग को, 1947 को आज व्हाट्सएप युग में ये अप्लाई करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं 1947 में मॉब लॉन्चिंग हुई थी, तो आज अगर 2019 में मॉब लॉन्चिंग हो रही है तो क्या मैंने गलत है? ये जस्टिफाई मारी चाहिए भाजपा को, शर्म मारी चाहिए भाजपा के प्रवक्ता को, 1947 की मॉब लिंचिंग को आज 2019 में आप देश में आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं? एप्लीकेबल नहीं किया, किस तरीके का बयान हो गया? नहीं नहीं, डॉक्टर अजीज ने कहा था हुआ कल चलेगा। आज देश में अगर किसी कम्युनिटी को, किसी मजहब को अगर डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है? इसका जवाब सरकार देगी, विपक्ष नहीं देगा इसका जवाब। ठीक है, इसका जवाब सरकार देगी,
और अमित पुरी साहब आपको मेरे हिसाब से भरोसे में लाना होगा कि ये देश सबका है, सब बाहर निकले, आराम से निकलिए, सहयोग करिए। फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगा अजीज साहब, इस बार आपके पास नहीं आ पाया, वक्त नहीं है मेरे पास। आप फिलहाल सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बात यह है कि डर की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को कोई युवक ना निकले, देवबंदी उलेमाओं ने ऐसा कहा कि कोई छात्र ना निकले, बहुत जरूरी है तो निकले, नहीं तो आप बेगुनाह लोग भी फंस सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 26 जनवरी 15 अगस्त पर आमतौर पर चेकिंग चलती है, हमारा यही कहना है और सरकार से भी हम यही करेंगे कि आप भी भरोसा दिलाइए, हम तो यही कहते हैं कि आप घर से बाहर भी निकलिए, सहयोग करिए, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, हम कोई गुलाम नहीं है, आप आराम से निकलिए और खुली हवा में जिए, जिस तरह से देवबंदी उलेमा एडवाइजरी और फतवे जारी करते हैं उससे ऊपर उठ के थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि अगर ऐसी डर की बात कही जाएगी इसके पीछे आप समझ सकते हैं क्या है, क्या वाकई डर के आगे सियासत है। फिलहाल इतना ही।